तो फ्रेंड्स वेलकम टू आस्था क्लासेस। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि बीम पे है, लेकिन प्रीवियस वीडियो में मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम पे पॉइंट लोड पे न्यूमेरिकल सॉल्व कराया था, बताया था करने के लिए। आज मैं आपको यूडीएल से सॉल्व करना बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये यूडीएल लोड लगा हुआ है, यूडीएल लगा हुआ है 50 किलो न्यूटन्स का 5 मीटर पे, और ये 150 किलो न्यूटन्स का लोड लगा हुआ है। तो अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यूडीएल सॉल्व करते हैं। यूडीएल कैसे सॉल्व करते हैं? यूडीएल में जितना लोड लगा रहता है उसको हम लेंथ से मल्टीप्लाई करके, यानी कितनी दूरी में लगा है, यूडीएल की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले लोड की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारा 50 किलो न्यूटन्स का यूडीएल लोड जो है वो लगा है 5 मीटर लेंथ पे। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 50 किलो न्यूटन इंटू 5 मीटर इक्वल्स टू 50 किलो न्यूटन्स। तो ये हमारा ये लोड हो गया यूडीएल जो हमारा लग रहा है। उसके बाद रिएक्शन निकालते हैं, आर ए प्लस आर बी करेंगे तो 250 किलो न्यूटन्स का ये निकल लग गया और 150 किलो न्यूटन्स का ये लग रहा है, यानी समेशन ऑफ फोर्स हमारा जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 400 किलो न्यूटन। अब हम मोमेंट लेते हैं, तो मैं ए पे मोमेंट ले रही हूँ, आप बी पे भी ले सकते हैं। मोमेंट लेते हैं तो सबसे पहले क्लॉकवाइज फोर्स प्लस में और एंटी क्लॉकवाइज माइनस में, यानी कि जो लोड बीम को क्लॉकवाइज घुमाएगा वो लोड प्लस में काउंट होगा और जो लोड बीम को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा वो माइनस में। तो सॉल्व करते हैं, 150 किलो न्यूटन्स ये हमारा लोड प्लस में लगेगा, बिकॉज अगर मैं ये बीम ले लूं और यहाँ पे अगर मैं इसके लोड लगाऊं तो ये हमारा लगा हुआ लोड बीम को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, तो इसलिए ये प्लस में। 150 लेंथ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट तक जहाँ आपने मोमेंट लिया है, तो इसकी 10 है ले लिया, प्लस आर बी, ये भी हमारा बीम को क्लॉकवाइज घुमाएगा, आर बी इंटू 5, ए से इसकी दूरी 5 है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसके बाद माइनस, बिकॉज ये जो यूडीएल है अगर मैं यहाँ पे इस बीम पे यूडीएल लगाऊंगी तो ये बीम को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसलिए ये मैं माइनस ले रही हूँ, 250 इंटू 2.5, बिकॉज ये 250 निकला था टोटल वैल्यू लोड की, और हमेशा यूडीएल जब भी काउंट करते हैं तो टोटल डिस्टेंस की हाफ डिस्टेंस लेते हैं हम उस पॉइंट तक जहां पे मोमेंट लिया जा रहा है। तो हाफ डिस्टेंस ये 5 मीटर है, इसकी हाफ डिस्टेंस 2.5 होगी। उसके बाद इसका मैं मल्टीप्लिकेशन कर लूँगी तो 425 किलो न्यूटन आ जाएगा। तो ये रिएक्शन बी पे फाइंड आउट हो गया हमारा, आर बी निकल गया। अब आर ए निकालने के लिए टोटल जो हमारा फोर्स निकला है, समीशन ऑफ फोर्स, वो 400 किलोमीटर है। तो आर ए प्लस आर बी, तो अब हमें 400 किलो न्यूटन्स पता है और हमें आर बी भी पता है, आर बी की वैल्यू। तो अब अगर हमें आर ए निकालना है तो टोटल में से हम आर बी माइनस कर देंगे तो आर ए निकल जाएगा। सेम वही मैंने किया है, 400 माइनस 425, तो माइनस 25 किलो न्यूटन्स यहाँ पर आर बी निकला है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।